हेलो दोस्तों, ओली निको मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर आज से दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 12 बड़ी नई भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ओनली फॉर गुरुवार टू गुरुवार मध्य प्रदेश की भर्ती से संबंधित वीडियो देखना ना भूले, ताकि मध्य प्रदेश की कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सभी भर्तियों को विस्तार से बताऊँगा, जिसके अंदर एज लिमिट, आवेदन, सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। पहली भर्ती मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंदर दोस्तों, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके अंदर जूनियर इंजीनियर वेस्टर्न के पदों दोस्तों वैकेंसी आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/4/2024 की लास्ट डेट है। एज की बात करें 21 से 45 लास्ट डेट रखी गई है। 191 पदों दोस्तों वैकेंसी है। इसके बारे में सेकेंड भर्ती की बात करें तो एमपी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के दोस्तों आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 15/5/2024। क्वालिफिंग बात करें तो इससे संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 139 पदों दोस्तों वैकेंसी है। इसके बारे में नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों ये वैकेंसी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंदर दोस्तों वैकेंसी है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, टोटल 55 पोस्ट है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की लास्ट डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30/6/2024 की लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती की बात करें तो NHM के अंदर दोस्तों काउंसलर की दोस्तों वैकेंसी जो कि फाइनली आ गई है। लास्ट डेट है 18/4/2024, मतलब कि आज इसकी लास्ट डेट है। पदों की संख्या है इसके अंदर लास्ट 17 है, ओनली पोस्ट 17 पोस्ट है। शाम 12 बजे तक आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं आज़ाद। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती की बात करें तो दोस्तों ये भर्ती है ऑल इंडिया की वैकेंसी। इसके अंदर मध्य प्रदेश के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये अपकमिंग वैकेंसियों के अंदर बताता आया हूँ और ये फाइनली आ गई है। SSC CGL की वैकेंसी 10+12 वाले विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट 7/5/2024 और यहाँ पे ऑल इंडिया की वैकेंसी। एज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से 27 साल की गई है और 3712 पदों दोस्तों वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती की बात करें तो ये भी दोस्तों अपकमिंग वैकेंसियों के अंदर थी, जिनके बारे में मैं बताता आया हूँ, ये भी फाइनली आ गई है। रेलवे RPF की दोस्तों कॉन्स्टेबल और SI के पदों दोस्तों ये वैकेंसी है। आवेदन इसके भी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 14/5/2024 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इंडिया की वैकेंसी है। एज के बारे में 18 से 28 साल लिखी गई है। 4660 पदों दोस्तों वैकेंसी है। तो दोस्तों जो भी MP से संबंधित या ऑल इंडिया से संबंधित जितनी भी भर्ती आती है, मैं आपको सही समय पर ओनली फॉर गुरुवार टू गुरुवार बताता रहता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ओनली फॉर गुरुवार टू गुरुवार वीडियो देखना ना भूले। अब मैं आपको बताऊँगा MP की अपकमिंग वैकेंसी जो कि 2024 के अंदर आपको 100% देखने को मिलेगी। एक तो मध्य प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, यह आपको 100% देखने को मिलेगी। इसके बारे में RPF की वैकेंसी दोस्तों, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ये आ गई है फाइनली, ये अपकमिंग वैकेंसी के अंदर थी। इसके बाद SSC GD की दोस्तों, ये भी आपको 2024 के अंदर 100% देखने को मिलेगी। ये मैं भी बता रहा हूँ और देख लेना, आपको 100% देखने को मिलेगी। SSC CGL की दोस्तों, ये भी सितंबर अक्टूबर के अंदर 100% देखने को मिलेगी। और ये दोस्तों ये फाइनली ये भर्ती आ गई है CHSL की वैकेंसी, ये दोस्तों आ गई है, जाके देख सकते हैं। SSC MTST दोस्तों, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की भर्तियों की वैकेंसी के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ओनली 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 गुरुवार टू गुरुवार वीडियो देखना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।